ज्योमेट्रिक्स आते हैं, जिसमें ये दो क्वेश्चन है आपके, और ये दोनों क्वेश्चन आपको ज़्यादा ट्रेंड करते हुए मिलते हैं। और है हालांकि इजी क्वेश्चन दोनों। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, और इसमें जो एंगल सी है ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। और फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है कि आर टू का जो आर वन से जो रेशियो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इस फिगर में देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर ये 60 है, अगर मैं यहाँ से इसे मिलाऊँ तो आप ये जानते हैं कि इसे क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये नीचे का 30 हो जाएगा और ऊपर का भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब 30 होगा, यानी कि मैं इस 60 को हटा के अगर ये 30 डिग्री रखूँ और ये भी आपका 30 डिग्री होगा, तो एक चीज़ है कि अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2R हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं साइन में लूँ तो साइन 30 बराबर जो होगा, साइन 30 डिग्री बराबर होगा पी बाय एच होगा। तो पी की जगह यहाँ पे आर वन है, ये आर वन है अपॉन एच की जगह तो यही होगा ना ओड एस सी। अब इसका मान होता है 10 30 का मान, सॉरी साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, आर वन अपॉन कितना ओड एस सी। तो ओड एस सी जो है ये कितना है, 2R1 है, ठीक है, इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसे यहाँ से मिला दूँ, अगर मैं ये यहाँ से मिला दूँ, ये तो आपका 2R1 है और ये आपका R1 है और ये इतना दूर क्या आपका R2 है, तो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखता होगा ये, और ये और एक छोटा सा ट्रायंगल दिखता होगा। बड़े से ट्रायंगल के लिए भी ये 30 डिग्री है और छोटे से ट्रायंगल के लिए भी ये 30 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर होता है ट्रायंगल तो उसके साइड का जो रेशियो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका और इसके हाइपोटेनस का रेशियो लेता हूँ, यानी कि R2 अपॉन ये R2 प्लस R1 प्लस 2R1 कितना होगा, 3R1 इक्वल टू इसका ले लेता हूँ, मैं अलग अलग ही ले लूँ, ठीक है। R2 अपॉन R1 इक्वल टू ये पूरा R2 प्लस 3R1, ठीक है, अपॉन ये कितना आपका इसके लिए 2R1 है, ठीक है। ये R1 R1 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 इधर 2 अगर इससे गुना होगा तो 2R2 आ जाएगा और बराबर R2 प्लस 3R1, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, R2 इक्वल टू 3R1, यानी R2 = R1 बराबर कितना होगा, 3 = आपका कितना होगा 1। यही आपका ये क्या है, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है कि R2 और R1 का जो रेशियो है वो कितना है आपका, 3:1 आया, ठीक है। अब ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये अब बवाल है मगर इसे भी आराम से बना सकते हैं आप। 1:3 और 9 का रेशियो होता है, मगर अगर मैं ऐसे कह दूँ कि 1:3:9 का रेशियो होता है, ये कैसे होगा, तो ये थोड़ा अजीब है, मगर मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ कि 1:3:9 कैसे होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी 60 डिग्री है, यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आता होगा, ठीक है। अब ये अगर 60 डिग्री है तो आपको ये निकालना है, जैसे R2 ये तो जान गए ना, R2 अपन R1 का जो रेशियो होता है कितना होता है, 3:1। अब ये रेशियो है, अगर मैं कहूँ कि R2 कितना होगा, तो R2 अब मान ले 3x, R1 कितना होगा x, ठीक है, ये मान सकता हूँ। अब एक चीज़ मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में ज्योमेट्री में बता रखा है कि अगर 3 सर्कल ऐसे टच होता है तो जो R2 का जो मान होता है ना, R2 का जो मान होता है वो √R1 × R3 के इक्वल टू होता है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो R2 का जो स्क्वायर होगा R1 × R3 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे R3 का मान नहीं जानता, मुझे R3 निकालना है, ठीक है। तो R2 जो है कितना, 3 है, तो ये 9x² हो जाएगा। R1 कितना आपका x है, ठीक है, R1 x है, और R3 कितना आपका
आर थ्री तो भाई निकालना ही है, तो आर थ्री का मान कितना है, ये कितना है 9x है। अब तो समझ में आ गया होगा कि R1 is to R2 is to R3 जो होता है ये तो आपका x है, ये 3x है और ये कितना है 9x, तो 1:3:9 कितना हुआ 9। मगर मुझे ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि जो बड़े सर्कल जो है ना, बड़ा सर्कल इसका एरिया और छोटे सर्कल का एरिया का क्या करना है आपका, अनुपात याद करना। तो बड़े सर्कल का एरिया पाई आर थ्री का स्क्वायर, छोटे सर्कल का पाई आर वन का स्क्वायर, पाई खत्म हो गया। ये 9 है आर थ्री, तो 9×81 9×9 कितना होगा आपका 81/1 = 1। यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसका और छोटे सर्कल का जो रेशियो का अनुपात होगा वो कितना होगा 81:1 होगा। ठीक है, ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी हैवी क्वेश्चन है और हैवी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है, इसे याद रखें, याद नहीं समझ ले, याद तो रखना ही नहीं, मैथ यहाँ पढ़ने के बाद याद रखना ही नहीं।